Hi, good morning everyone. How are you children? I hope you are all enjoying rainy season and festivals also. So after 1 week vacation, welcome back to EVS class. So today we are going to learn a new chapter 8, Things Around Us. Things means children, वस्तु, जो हमारे आसपास जो वस्तु दिखते हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे. ओके, थिंग्स अराउंड अस में मतलब क्या आता है आप जानते होंगे. यहाँ पे देखिए, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नाउ टिक द करेक्ट आंसर. हम ये चीज़ क्या होती है हम पहले वो जानेंगे, वो जानने के बाद आप ये एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हो. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेचुरल थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. आप सब जानते हैं नेचुरल थिंग्स क्या है चिल्ड्रन, जो हमें नेचुरली मिला है, मतलब हमने ह्यूमंस ने नहीं बनाया. नेचुरली हमें क्या क्या मिला है? यस, हमें नेचुरली मिला है प्लांट्स, ह्यूमंस, वाटर, एयर, सॉइल, एनिमल्स एक्सेट्रा. ये सब नेचुरल है, ये इंसान ने नहीं बनाया है. तो ये नेचुरल है तो ये सारे हैं लिविंग थिंग्स. इसको हम डिवाइड करेंगे, पहले नेचुरल लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे, फिर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे. ओके, नेचुरल लिविंग थिंग्स क्या क्या है यहाँ पे? तो आप थिंग्स अराउंड अस आर एदर नेचुरल और मैन मेड. थिंग्स सच एज एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, रॉक्स एंड सॉइल विच आर नॉट मेड बाय मैन एंड आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. सो अभी हमने बताया नेचुरल थिंग्स क्या क्या है, प्लांट्स, वाटर, एयर, एनिमल्स, रॉक्स एंड सॉइल विच आर नॉट मेड बाय मैन, मतलब ये सब इंसान ने नहीं बनाया, ये सब गॉड गिफ्ट है जो हमें नेचुरली मिला है. ओके, तो ये सब है नेचुरल थिंग्स. तो इसमें नेचुरल थिंग्स में सम आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग. ओके, जैसे हम देख सकते हैं नेचुरल लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं हम. ओके, यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ. यहाँ पे देख लीजिए आप ध्यान से, फर्स्ट पे है लिविंग एंड सेकेंड बॉक्स में है नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, लिविंग थिंग्स हम किसको कहते हैं? तो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ एंड लिविंग थिंग्स कैन ईट एंड लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. मतलब लिविंग थिंग्स को क्या क्या चाहिए, मतलब लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं. जैसे हम ह्यूमंस, बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब हम जब छोटे हैं तो हम बड़े होते हैं ना, जैसे हम ग्रो करते जाते हैं तो हम लिविंग थिंग्स हैं. इवन प्लांट्स भी, जब आप बेबी प्लांट्स देखते हो उसको आप एयर, वाटर, सॉइल सब मिल जाता है, उसको फूड, न्यूट्रिशन सब मिलता है, तो वो भी ग्रो करके ट्री बन जाता है. इवन एनिमल्स भी, आप देखे होंगे यंग वंस जो बेबी एनिमल्स रहते हैं तो पहले छोटे रहते हैं, जब वो फूड लेते हैं, एयर इनहेल करते हैं, फिर वो भी ग्रो करते हैं, मतलब छोटे से बड़े बन जाते हैं. इन सब को हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं. ओके, तो आप इतना जान लीजिए कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, वो मूव कर सकते हैं, मतलब एक जगह से, जैसे हम
मूव करते हैं ना, मतलब एक जगह हम खड़े नहीं रहते हैं स्टैचू की तरह, ओके. ब्रीथ मतलब हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं. एनिमल्स, इंसेक्ट्स और ट्रीज भी सांस लेते हैं चिल्ड्रन, तो ये भी लिविंग थिंग्स हैं. और ईट, फोर्थ वन ईट, हम भी खाना खाते हैं. प्लांट्स को भी खाना चाहिए, मतलब उनको न्यूट्रिशन चाहिए. हम डालते हैं उसको फर्टिलाइज़र डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो एयर लेता है, वो उसका फूड हो गया. तो नेक्स्ट रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस एनिमल्स में जो बिग एनिमल है तो उससे बेबी एनिमल बन गया. जब हम एक ट्री उगा है उसका जो हम देखे सॉइल में डालते हैं तो वो बेबी प्लांट बन जाता है, तो इसको हम रिप्रोड्यूस बोलते हैं. तो हम जान गए कि लिविंग थिंग्स कैसे होते हैं, ओके. अब नेक्स्ट नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स मतलब यहाँ पे जो है उसके अपोजिट है. मतलब नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, डू नॉट मूव, डू नॉट ब्रीथ, डू नॉट ईट, Do not reproduce. आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोन है, कैमरा है, रोप है, कार है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है. बट नॉन लिविंग थिंग्स के साथ चिल्ड्रन ये एक याद रखिए, ये मैन मेड है. मतलब कैमरा, रोप, कार मैन मेड थिंग्स है, लेकिन रॉक्स नेचुरल थिंग्स है. मैंने पहले भी बताया था आपको, नेचर में जो मिलता है हमें, सम आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग. नेचुरल में ह्यूमंस, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, दीज आर ऑल लिविंग थिंग्स. तो नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, रॉक्स मिलता है जो हमें नेचुरली मिलता है, तो वो है नॉन लिविंग थिंग्स, ओके. जैसे आप देख सकते हैं ट्री इज़ अ लिविंग थिंग, ओके. तो जो ट्री से ह्यूमन ने ट्री का जो वुड लेके जो फर्नीचर बनाता है वो नॉन लिविंग हो गया. मतलब लिया उसने लिविंग थिंग से, लेकिन ह्यूमन ने बनाया नॉन लिविंग थिंग. जैसे हम आपके आसपास देख सकते हैं, आपके घर में देख लीजिए, आप और सब आपके सब मम्मा पापा सब जो भी है आपके घर में, वो सारे लिविंग थिंग्स हैं. जो आपके घर में बेड है, सोफ़ा है, आपके टॉयज है, यूटेंसिल्स है, ये सब है नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स प्लस मैन मेड थिंग्स, तो ये सब ह्यूमन ने बनाया. जैसे चेयर, वुड लेके उसने चेयर बनाया, बेड बनाया, सो आप देख सकते हो ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स है, ओके. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस चार्ट में मैंने जो अभी बताया. तो लिविंग बीइंग्स, लिविंग थिंग्स में आप ह्यूमन, बर्ड्स, ट्री, प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, नॉट ओनली हॉर्स और फिश, ऑल एनिमल्स एंड ऑल बर्ड्स. सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं. आप नीचे देखिए नॉन लिविंग थिंग्स में हाउस है, बिल्डिंग है, कार है, ग्लास है, बुक्स है, पेन, इंक पॉट एंड फर्नीचर, ये सब है नॉन लिविंग थिंग्स. बट मैन मेड थिंग्स, ये सब इंसान ने बनाया, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है. आप यहाँ पे लिविंग थिंग्स का चार्ट देख सकते हैं, देख रहे हो आप, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फंगस, ट्रीज, दीज आर ऑल लिविंग थिंग्स. तो हम आज क्या जाना बच्चों, कि हमने नेचुरल में जो हमें मिलती है, सम आर नेचुरल थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स में सम आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स, ओके. तो नॉन लिविंग थिंग्स है वो मैन मेड ने बनाया. यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, अवर क्लॉज टू आर मेड ऑफ डिफरेंट नेचुरल मटेरियल्स सच एज कॉटन, सिल्क, वूल और फ्रॉम मैन मेड फाइबर्स सच एज रेयॉन्स. हम अभी इसके बारे में जाना, जहाँ मैंने लाइन डाला है, अवर क्लॉज टू आर मेड ऑफ डिफरेंट नेचुरल मटेरियल सच एज कॉटन.
आपको पता है कॉटन हमें कहाँ से मिला है? यस, हमें कॉटन मिला है कॉटन प्लांट से। तो कॉटन प्लांट क्या हुआ चिल्ड्रन? लिविंग थिंग हो गया। तो सिल्क, सिल्क भी हमें किसने दिया था? रिमेंबर? यस, सिल्क, सिल्क वर्म गिव्स अस सिल्क। तो सिल्क वर्म एक इंसेक्ट हो गया, तो वो भी लिविंग थिंग हो गया। नेक्स्ट ऊल, ऊल हमें किसने दिया चिल्ड्रन? कम ऑन गैस। यस, शीप गिव्स अस ऊल। तो शीप क्या हो गया चिल्ड्रन? शीप लिविंग थिंग हो गया। लेकिन बट ए कॉटन सिल्क ऊल जो है ए नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन जो मैन, जो हमने ह्यूमन ने जो फाइबर बनाया है वो है रेयॉन। सिर्फ उन्होंने ह्यूमन ने रेयॉन बनाया है, बाकी सब हमें क्लॉथ, जैसे हम जान रहे हैं कॉटन सिल्क ऊल, ये सब हमें नेचुरल नेचुरल मटेरियल से मिला है। जैसे नेचुरल से मिला है, जैसे नेचुरल में एनिमल्स इंसेक्ट्स हो गया, उसी से हमें मिला है कॉटन सिल्क एंड ऊल। ओके, तो आज हम ये जाने नेचुरल थिंग्स, और नेचुरल थिंग्स में लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, नेक्स्ट हम जानेंगे मैन मेड थिंग्स, लेकिन ये हम कल जानेंगे। ओके, तो आज मैंने बताया आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आज आप ये एक्सरसाइज आपके होमवर्क में करना है। मैंने बताया था आपको लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। जैसे आप जान रहे हो, फर्स्ट वन देखिए, यू कैन ईट फूड, मतलब जो फूड खाता है वो कौन सा है? यस, कैट। तो कैट लिविंग थिंग्स है। मैंने आपको एक समझाया, तो आप 2, 3, 4 अपने आप थिंक करके लिखेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि आप जान गए अभी लिविंग थिंग्स क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये फर्स्ट, ये सारे क्वेश्चंस आप केयरफुली रीड करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज़ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो ये एक्सरसाइज आप पूरा करेंगे, प्लस ए हार्डवर्ड्स है चैप्टर 8 का, तो आप ये फिर नोटबुक में लिखेंगे, चैप्टर 8 डाल के थिंग्स अराउंड अस और हार्डवर्ड्स लिखेंगे। सी, फर्स्ट वन है ब्रीथ, सेकेंड वन मूव, थर्ड वन ग्रो, फोर्थ वन बिगर, फिफ्थ वन नेचुरल, सिक्स्थ वन थिंग्स, सेवन्थ वन अराउंड, एट्थ वन सॉइल, नाइन्थ वन मटेरियल्स, टेंथ वन रेयॉन, एंड द लास्ट वन इज डिफरेंट। ओके, सो ये आप आज का होमवर्क है, हार्ड वर्ड्स प्लस जो मैंने अभी समझाया था आपको ए एक्सरसाइज। ओके, आई होप आप सब ए एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे आज। ओके, आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे टेक्स्ट बुक में, और हार्ड वर्ड्स लिखेंगे फिर नोटबुक में। ओके, सो आई होप यू ऑल एन्जॉइंग दिस वीडियो, बी सेफ, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे चिल्ड्रन, बाय।